हेलो गाइस दोस्तों, मैं हूँ वारिस। स्वागत है आप सबको अपने चैनल वारिस फ्री क्लासेस पे। तो दोस्तों, हम एक और क्वेश्चन क्लास टेन का फिजिक्स, क्लास टेन का जो फिजिक्स है उसका फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन और उसका एक और क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कराने वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन ही बड़ा मजेदार है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। ठीक है, यानी अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखना चाहिए कि उसका क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वही स्थान यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो चलिए हम उसको शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास टेन का एग्जाम देने वाले, मैट्रिक का फाइनल, ठीक है, तो ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा, हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। साथ में दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बैंक भी यहाँ पे सोल्व कराया जाएगा 2011 से 2022 तक। ठीक है, तो चलिए हम इसका आंसर जानते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। तो देखिए, आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए यहाँ पे अवतल दर्पण में वस्तु का स्थान तो दो जगह, यानी दो जगह रखेंगे तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। एक होगा कि दर्पण के बगल में, यानी पी के बगल में, ध्रुव के बगल में। लेकिन एक बहुत ही फेमस है जो उपयोग का होता है दाढ़ी बनाने में। ठीक है, दाढ़ी बनाते हैं तो वही वस्तु का स्थान वहीं पर रख के क्या होता है, इस तरह से सेट किया जाता है कि वस्तु का स्थान वहीं पर पड़े और दाढ़ी का प्रतिबिंब आवर्धित दिखे और काल्पनिक दिखे, यानी आभासी दिखे। ठीक है, तो देखिए आभासी यानी कि सीधा। ठीक है, तो देखिए वस्तु का स्थान क्या होना चाहिए, तो वस्तु का स्थान होना चाहिए ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, देखिए वस्तु का स्थान जब ध्रुव पी मुख्य फोकस एफ के बीच रखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक क्या हो रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है जो कि बड़ा प्रतिबिंब है। ठीक है, यानी कि आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को ध्रुव पी और मुख्य फोकस एफ के बीच बनते हैं। देख सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनता है, आकार आवर्धित होता है, प्रकार काल्पनिक। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए स्थान बताइए। तो स्थान यही हो जाएगा कि ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, वस्तु ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो वो क्या बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो बस यही था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।